तुम खुश तो हो ना? जी मैं तेरा गला लगा दूंगी। बस कर दे अम्मी, आपको मेरी जान लेनी है ले ले जान। मैंने इस तरह तो फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं कहा था सचिन, सजा देना चाहती हूँ। प्यार है ना तुम्हें फरी से, तो सज्जल के कान में ये बात डालो, उसे अपने तौर पे तैयार करो, उसे बताओ कि अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो दोनों खानदानों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। चाय आ गई? तुम्हें अकल है कि नहीं? हाँ तमीज नहीं है, बंदा इजाजत ही ले लेता है। देख नहीं रही हो मैं अशर से कितनी जरूरी बात कर रही हूँ? अल्लाह अम्मी, एक तो पूरा दिन आपकी जरूरी बातें चलती रहती हैं, मैं तो तरस ही गई कि भाई कभी मेरे पास भी आके बैठ जाए, मुझसे भी कोई बात कर ले। और एक वो सज्जल भाभी हैं, बेचारी पूरा दिन भाई का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन आपकी जरूरी बातें ना खत्म होने का नाम नहीं लेती। तू तो रुकी। अम्मी अम्मी क्या क्या बताती हो अभी? मैं इसके भी पर निकल आए। बच्ची है वो। बच्ची है? कोई बच्चियां नहीं है ये। कोई तो ऐसे एतबार नहीं करता किसी अजनबी पर जिस तरह आपने किया। ये आप रख लीजिए, मैं कल पैसे देके ये ले जाऊंगी। सजल आप बहुत इनोसेंट, और आपका दिल आपसे भी ज्यादा प्यार। आप भी बहुत अच्छे हैं, और मैं जानती हूँ आप हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत फिक्र है आपको हमारी। बहुत ख्याल रखता हूँ इसीलिए मुझे छोड़कर चली जाती है ना। अब नहीं जाऊंगी कभी भी। जाने दूंगा भी नहीं मैं आप, अब नहीं रह सकता आपके पास, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इस दफा हम साथ ही जाएंगे। मैं भी अब आपके बगैर नहीं रह सकती और ना ही रहना चाहती। आपने आंटी से बात किया, मेरा मतलब है आपने उनसे इजाजत ले ली कि आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? नहीं सचिन, मम्मी को क्या एतराज होगा भला, और अगर हुआ भी ना तो मैं मना लूंगा, बस पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, पासपोर्ट आ जाए तो बात कर लूंगा मैं उनसे। मान तो जाएंगी ना? मान जाएंगी, क्या हो गया? तुम्हारे लिए कर ली ना तुमने अपनी जिद पूरी, आ गए ना तुम ये सब लेकर यहाँ? वो तो आना ही था। अच्छा अभी चलो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, कसम से जल्दी वापस छोड़ जाऊंगा। अरे समीर क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो प्लीज। चलो फरीन, तो थोड़ी देर की तो बात है। नहीं ना मैं नहीं जा सकती, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे कौन आया है? भाई गेट खुलने की आवाज आई है मुझे, मैं पूछ रही हूँ तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। फरीन क्या है ये? अब ये कसर रह गई थी कि तू मेरे सर पे खाक डाले? कितनी बेशरम है तू, इसको घर में बुलाया तूने? क्या चाहती है तू, हमारी इज्जतों का जनाजा निकालना चाहती है क्या? भाई घर में मौजूद है तेरा, निकाल इसको बाहर। जाओ तुम। ठीक है मैं कॉल करता हूँ। तुम खुश तो हो ना? जी अल्लाह मेरी बहन को हमेशा ऐसे खुश रखे, आमीन। आप बताएं मुझे, आप तो खुश है ना वहां, सब ठीक है ना? उमर काफी चुप चुप रहना शुरू हो गया है।
दोस्त है, अपने आप को बहुत मसरूफ भी कर लिया। अल्लाह ने उसे एक बहुत बड़े हादसे से बचा लिया, यूं समझो जैसे कि उसे नई जिंदगी मिली हो। अच्छा, क्या कह सकते हैं? मैं तेरा गला लगा दूंगी। बस कर दे अम्मी, आपको मेरी जान लेनी है ले ले जान, लेकिन मैं अपनी बात से अब पीछे नहीं हटूंगी। शादी मैं सिर्फ समीर से करूंगी। या अल्लाह, पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जो तू मेरे घर में पैदा हो गई। ये बात तेरी अकल में क्यों नहीं आ रही कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है? उसको तो उसका बाप और भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेरी आंखों पे ऐसी कौन सी पट्टी बंधी हुई है जो उसकी असलियत नजर नहीं आती तुझे? आ रही है ना नजर? आ रही। ये देखिए, ये जूते जोड़ा सब सामान लेकर आए मेरे लिए। वो उसको एहसास है कि इतने दिन से इस घर में बंद बैठी हुई हूँ। उसने कहा इधर खत्म हो जाए ना तो ये सब पहनना। आप मेरी सगी माँ है, वो मेरा भाई है। आप में से किसी ने पूछा मुझे नहीं ना? और जब अशर अपनी पसंद से शादी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? अम्मी, मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे वाह, कपड़े रेडी? थैंक यू। अच्छी लग रही है ना साड़ी? इतनी अच्छी लग रही है, क्या मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं आपको कहीं लेकर जाऊं? हम यहीं बैठेंगे, बातें करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, और मैं आपको देखता रहूं, सिर्फ देखता रहूं। हरगिज नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। अशर, आज मुझे वहां जल्दी जाना था। किस बात की जल्दी से? चल, क्या चल क्या रहा है? कुछ नहीं, वो मोहित से मिले इतने दिन हो गए, फिर आबाजी से भी नहीं मिली मैं। काश कि हमारे लिए भी किसी को इतनी बेकरारी होती, लेकिन नहीं होती। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई, चले जाएं। अच्छा यार, जाएं। अच्छा हो रहा हूँ रेडी। ओके, उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों में रहती नमी है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं, अम्मी ने बाजी के लिए कपड़े भिजवाए थे, वो ही देख रही थी कि पूरे आए कि नहीं। मुझे भी तो दिखाई दे। तुम्हें पता है सजल, क्रीम मेरा बहुत फेवरेट है। और मैं पता है क्या सोच रहा हूं, शादी के बाद ना किसी खास इवेंट में तुम ग्रीन कलर की साड़ी पहन, बहुत जचेगी तुम। आपका हुक्म सर, आपको और कोई हुक्म? दिल जला के नजरें फेंक देना, कोई सीखे तुमसे। इस तरह तो फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं कहा था सचिन, सजा देना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मैं, मैंने जानबूझकर कुछ, जानबूझकर भी तकलीफ दे सकती हूँ। हसीयत को तो खुद चुना है मैंने अपने लिए।